होम क्रेडिट ऐप से पर्सनल लोन कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी होम क्रेडिट ऐप से लोन अप्लाई करना है, आप भी होम क्रेडिट ऐप से लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि होम क्रेडिट ऐप से किस तरीके से लोन अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ लोन अप्रूव्ड हो जाने के बाद उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में होम क्रेडिट ऐप से लोन अप्लाई से लेकर लोन अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप भी होम क्रेडिट ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों होम क्रेडिट ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप होम क्रेडिट लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। होम क्रेडिट लोन ऐप डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप होम क्रेडिट लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर में आके भी होम क्रेडिट लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरा पहले से डाउनलोड है, मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप होम क्रेडिट लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके सामने पहला इंटरफेस कुछ इस प्रकार शो होगा। इसमें आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपना फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे, इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, देन नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगी। जैसा दोस्तों देख सकते हैं मैं ओटीपी रिसीव हो गया है, आप उस ओटीपी को फिलअप करेंगे, देन नीचे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ओटीपी डाल के जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक कंटिन्यू का और एक सेट पिन का। तो आप चाहे तो एक 4 डिजिट का लॉगिन पिन यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम इस ऐप पर लॉगिन करेंगे तो आपको इस पिन को डालने की जरूरत होगी। तो जो भी आप पिन रखना चाहते हैं लॉगिन पिन, वो 4 डिजिट का पिन डालेंगे, पिन को दोबारा कन्फर्म पिन में डालेंगे, देन सेट पिन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना पिन क्रिएट कर लेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब दोस्तों होम क्रेडिट लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको होम क्रेडिट ऐप का यूज करने के लिए आपको अपने फोन का कुछ परमिशन होम क्रेडिट लोन ऐप को अलाउ करना होता है। तो उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और एक एक परमिशन को आप अलाउ करते जाएंगे। जैसे आप सारा परमिशन अलाउ करेंगे आप सक्सेसफुली होम क्रेडिट लोन ऐप पर लॉग इन हो जाएंगे और आपके सामने होम क्रेडिट लोन ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर यहाँ पे बताया गया है, यहाँ बताया गया है पर्सनल लोन फॉर सिलेक्टेड अवेलेबल एन अमाउंट अप टू 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए तक का लोन आप होम क्रेडिट ऐप से ले सकते हैं। तो सिंपल अब लोन अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल लॉगिन रहेंगे सभी ईमेल का लिस्ट शो हो जाएगा। जो भी ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हैं होम क्रेडिट ऐप के साथ लिंक करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिख रहा है कि हिंदी में शुरू करें और एक कंटिन्यू इन इंग्लिश। अगर आपको हिंदी में लोन अप्लाई करना है, लोन एप्लीकेशन फिलअप करना है तो हिंदी में शुरू करें ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में यूज करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू इन इंग्लिश ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ हाइलाइट्स बताया गया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि हमें बताया गया लोन इन जस्ट 5 मिनट, यानी 5 मिनट के अंदर आपको होम क्रेडिट ऐप से लोन मिलेगा, ये होम क्रेडिट लोन ऐप दावा कर रही है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो मिनिमम एज है वो 19 साल होना चाहिए और आपका जो इनकम है मंथली इनकम वो 25,000 रुपये होना चाहिए। अब सिंपली लोन को अप्लाई करने के लिए नीचे आप स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे कुछ फ्यू डिटेल्स पहले यहाँ पे फिलअप करने होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लोन पर्पस को सिलेक्ट करेंगे, लोन लेने का पर्पस आपका क्या है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे रीजन मिलेंगे, कोई भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बिजनेस पर्पस को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपका इनकम सोर्स क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो जैसा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले सैलरी का ऑप्शन मिलता है, प्रोफेशनल इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन मिलता है, स्टूडेंट, हाउस मेकर, अनएम्प्लॉयड, पेंशन, बिजनेस इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो भी आपका इनकम सोर्स है, जो भी आपका इनकम टाइप है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सैलरी पर्सन है, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हम यहाँ पे सैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस किस फील्ड में आता है उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मंथली इनकम फिलअप करना है, तो 25,500 रुपये यहाँ पे ऑटो फिलअप रहेगा। अगर आपका इससे ज़्यादा इनकम होता है तो ज़्यादा डालेंगे, और आपको यहाँ पे मिनिमम 25,000 रुपये डालना ही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ अपलोड नहीं करना होता, होम क्रेडिट ऐप से बिना इनकम प्रूफ के लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस शो हो जाएगा, जो ईमेल एड्रेस आप पहले फिलअप किए हैं, देन नीचे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, पहले अपना एक फेस सेल्फी, इसके बाद आपको पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है। तो सिंपली सेल्फी को कैप्चर करने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, सिंपल टेक्स्ट सेल्फी पे क्लिक करेंगे और कैमरा का परमिशन अलाउ करेंगे, आपका जो फ्रंट कैमरा होगा वो ओपन हो जाएगा, आपको इस सर्कल पे अपनी फेस सेल्फी को कैप्चर करना है। अब दोस्तों हम सेल्फी यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं, सेल्फी कैप्चर करने के बाद आपको पैन कार्ड का फोटो कैप्चर करना है, तो सिंपली प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, स्कैन पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे, आप अपने पैन कार्ड को रखेंगे आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम पैन कार्ड का फोटो कैप्चर कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आप अपना सेल्फी और पैन कार्ड का फोटो कैप्चर करके अपलोड करते हैं, अब आपके सामने एक फॉर्म आ जाएंगे, इस फॉर्म में आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे कि आप अपना पैन कार्ड का नंबर पहले फिलअप करेंगे, इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में है। अब डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद आपको अपना फादर नेम फिलअप करना है, इसके बाद आप अपना मदर नेम फिल करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, इसके बाद आप अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फीमेल है, इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो सिंगल। इसके बाद आपको प्रीफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको होम क्रेडिट ऐप की ओर से कॉल आता है तो आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेगा जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हैं। देन सब कुछ यहाँ पे आपको फिलअप करना है, इसके बाद आप नीचे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सारा डिटेल फिल हो जाने के बाद जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, अब आपको यहाँ पे रेसिडेंस एंड इनकम प्रूफ का वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑनलाइन केवाईसी का और एक क्लिक फोटो ऑफ एड्रेस प्रूफ का। तो दोस्तों आपको इजी तरीके से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन केवाईसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इसमें आप आधार ओटीपी के जरिए अपने केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन केवाईसी ऑप्शन को चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप ऑनलाइन केवाईसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये डायरेक्ट आपको डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ से आपको आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो सिंपली आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, देन नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप आधार कार्ड का नंबर डाल के जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट ओटीपी भेजा जाएगा, आप उस ओटीपी को फिल करेंगे, देन नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप आधार ओटीपी डाल के जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपका कंप्लीट डिटेल्स ये आपके आधार कार्ड से फैच कर लेगा, आपका आधार कार्ड का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको कुछ फ्यू डिटेल्स यहाँ पे देने होंगे, जैसे कि लोकेलिटी, तो लोकेलिटी में आप एड्रेस को फिल कर देंगे, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है। इसके बाद आपको यहाँ पे लैंडमार्क देना है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ जो भी फेमस जगह है, नियर बाय मंदिर, मस्जिद, कॉलेज, उसको आप नियर बाय करके टाइप कर देंगे। इसके बाद फ्लोर नंबर पूछा गया, तो ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते, नहीं तो छोड़ देंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएगा और दोस्तों आपके लिए आपका जो लोन ऑफर है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट बेसिस पर आपको कितना लोन मिल सकता है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करने होंगे, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, कुछ ही सेकंड वेट कर लेने के बाद हमारे लिए लोन ऑफर यहाँ पे खुल के आ गया है और हमें होम क्रेडिट की ओर से 2 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है। हम चाहे तो होम क्रेडिट ऐप से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट 25,000 रुपये है, हम 25,000 रुपये मिनिमम अमाउंट ले सकते हैं और मैक्सिमम हम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका भी ऑफर यहाँ पे खुल के आएगा और जितने भी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपको लोन ऑफर किया जाएगा, ये नहीं है कि आपका सारा अमाउंट लेना होगा, आप चाहे तो अमाउंट को कम कर सकते हैं इसको स्लाइड करके। जैसे कि हम मिनिमम 25,000 रुपये ले सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपये ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लोन अमाउंट अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको टर्म सिलेक्ट करना है, कितने मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं। जैसे कि 2 लाख रुपये का लोन हम 36 मंथ तक के लिए ले सकते हैं और हमें मंथली ईएमआई भी बताया गया है 7,847 रुपये हमें देने होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, जो टर्म सिलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मंथली ईएमआई दिख जाएगा। अब दोस्तों लोन लेने के लिए और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सिंपल है, नीचे आपको जो टर्म और कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक मार्क लगा देना है, देन नीचे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आएगा, जहां पर आपको अपना बैंक डिटेल्स फिलअप करना है, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में सबसे पहले बैंक अकाउंट नेम डालेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम है, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बैंक का एफसी कोड डालेंगे, देन कंटिन्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों बैंक अकाउंट डाल के जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब दोस्तों देख सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बताया गया है वेरीफाई बाय अपलोडिंग आधार पीडीएफ, यानी हमें आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसके लिए 2 ऑप्शन दिया गया है, फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर डाउनलोड आधार पीडीएफ ऑनलाइन। तो चलिए हम डाउनलोड आधार पीडीएफ पे क्लिक करते हैं और ऑनलाइन हम यहाँ पे ऑनलाइन आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको अपलोड करने के लिए सिंपल है, नीचे जो प्रोसीड ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों देख सकते हैं, हम जैसे आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिए, हमें यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया है और हमें बताया गया है यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। तो दोस्तों हमें बताया गया है कि हमारा जो तीन स्टेप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन हमारा सबमिट हो गया है, एप्लीकेशन प्री अप्रूव भी हो गया है, केवाईसी भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें और एक स्टेप कंप्लीट करना हो, लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करना है और इसके बाद हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोन का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ चुका है और लोन अमाउंट जो हम ले रहे हैं 1 लाख रुपये का वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि हमें 2 लाख रुपये का ऑफर किया गया था, लेकिन हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे उतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम अमाउंट को कम करके 1 लाख कर दिए हैं। अब सिंपली सब कुछ चेक करेंगे, अब आगे बढ़ने के लिए आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने लोन एग्रीमेंट शो हो जाएगा। इस लोन एग्रीमेंट में आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। देन इसको साइन करने के लिए आप नीचे जो एग्री ऑप्शन देख पा रहे हैं, आप एग्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब एग्री ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली आपका लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमें बताया गया है ग्रेट, योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड, यानी हमारा लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है यू आर जस्ट वन स्टेप अवे, प्लीज सेट अप डायरेक्ट डेबिट टू रिसीव द लोन अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों हमें बताया गया है कि हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें और एक स्टेप कंप्लीट करना होगा, इसके बाद ही लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो और एक स्टेप क्या है, अब हमें अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट यानी डायरेक्ट डेबिट सेटअप करना होगा। तो ये डायरेक्ट डेबिट क्या होता है कि जो हम लोन लेंगे होम क्रेडिट ऐप से, उसकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा। तो इसके लिए हमें ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा, ऑटो डेबिट सेटअप करने के बाद ही लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आपको नीचे सेटअप डायरेक्ट डेबिट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सेटअप डायरेक्ट डेबिट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। इस पेज में आपका ऑटो डेबिट का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, आपका लोन टाइप, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, मंथली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आपके अकाउंट से कटेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से कब कटेंगे, तो सब कुछ आप चेक करेंगे। तो नीचे आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब कंफर्म वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो होगा, जो बैंक डिटेल्स आप दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड करने के लिए, ऑटो पे सेटअप करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा। एक नेट बैंकिंग के थ्रू आप बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड करके ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, और एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेबिट एटीएम कार्ड का। अगर आपको नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, तो आप अपने डेबिट एटीएम कार्ड के थ्रू भी बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड करके ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। तो चलिए नेट बैंकिंग पहले से सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको टर्म को एक्सेप्ट करना है, जो चेकबुक दिख रहा है इस पर आपको टिक मार्क लगाना है, देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग लॉगिन करके बैंक डिटेल्स वेरीफाइड करके ऑटो पे सेटअप कर लेते हैं, और जो आगे का प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम बैंक डिटेल्स वेरीफाइड करके ऑटो पे सेटअप कर लिए हैं, और हमें यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज मिल गया है और हमारा लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली अब कंप्लीट हो गया है। अब सिंपली आपको नीचे गो टू होम ऑप्शन दिख रहा है, गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हम जैसे ही गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं, हम यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं होम क्रेडिट लोन ऐप के, और यहाँ पे जो हमारा अप्रूव्ड लोन अमाउंट है जो हम अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब दोस्तों ये जो लोन अमाउंट है हमें 24 to 48 आवर के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और हमें रिसीव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 24 to 48 आवर वेट करना है। 24 to 48 आवर के अंदर सक्सेसफुली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये है दोस्तों होम क्रेडिट ऐप से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस, जो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।